हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन की कैलकुलेशन को लेके, राइट? तो देखिए, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड हमारे पास होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम दो प्रोसेस को कंसिडर करके चलते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस और दूसरा हमारे पास होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे पास सबसे पहले अगर आपको वर्क डन को लेके बात करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोसेस कंसीडर कर रहे हो। जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसमें स्पेशली मेंशन होगा कि आपको वर्क डन निकालना है किस प्रोसेस में, रिवर्सिबल में निकालना है या इररिवर्सिबल में निकालना है। उसके बाद ही आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को फर्दर प्रोसीड ऑन कर सकते हो। तो वर्क डन को निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए आखिरकार रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क क्या होता है। तो मान के चलिए पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने कोई भी गैस जो है फिल कर दी। इस बीकर के अंदर मैंने कोई भी गैस क्या कर दी, फिल कर दी है। यहां पर मैंने पिस्टन लगा दिया, यहां पे हमने क्या कर दिया, पिस्टन लगा दिया। अब इस बीकर की जो बाहर प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। इस बीकर के जो बाहर प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर और जो इस बीकर के अंदर प्रेशर होगा इसे हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर। इसे हम कहेंगे इंटरनल प्रेशर, राइट? अब अगर हमारा इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, अगर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम है, मान लीजिए मेरा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर एग्जैक्टली सेम है, मैंने यहां पर क्या किया था, प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ सैंड जो है, कुछ सैंड के पार्टिकल यहां पर डाल दिए, बहुत थोड़े सैंड के पार्टिकल यहां पर डाल दिए। तो जब तक ये सैंड के पार्टिकल नहीं डले थे उस टाइम तक क्या था, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, बिल्कुल सेम था। लेकिन जैसे ही मैंने सैंड के पार्टिकल डाल दिए तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत नेग्लिजिबल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इंटरनल प्रेशर के। और इस कारण क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगा, ये पिस्टन क्या है बहुत थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां पर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहां पर क्या देखने को मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारे पिस्टन के नीचे की तरफ वो इतनी कम होती है कि अगर कोई हमें यहां पर इस प्रोसेस को देखने के लिए ना बिठाए तो हम बता ही नहीं सकते कि कोई डिस्प्लेसमेंट एक्चुअलिटी में हुई है या नहीं हुई है, राइट? तो इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है प्रोसेस के अंदर वो इतनी नेग्लिजिबल है कि एक बार देखने पर हमें हमें यही लगता है कि यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? अगर मैं अपोजिट केस मान के चलूं, मान लीजिए यहां पर हमारे पास हमने कोई सैंड का पार्टिकल नहीं डाला है और जो इंटरनल प्रेशर है ये बहुत नेग्लिजिबल जो है, बहुत नेग्लिजिबल ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में, तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा, बहुत थोड़ा सा प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा और यहां पर हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये केस हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन का, ये केस हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंशन का। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके अंदर हमारे सिस्टम की जो वॉल्यूम है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो सिस्टम की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, वो हमें डिक्रीज देखने को मिल जाएगी। और कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इंटरनल प्रेशर के कंपेयर में, एंड एक्सपेंशन कब होगा, जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में और यहां पर वॉल्यूम जो है सिस्टम की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगी। इतना समझ में आया? तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है वो आपस में इक्विलिब्रियम पे हमें देखने को मिल रहा है। जो प्रेशर चेंज है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल में वो बहुत थोड़ा सा होता है, जिसकी वजह से प्रोसेस जो है बहुत धीरे 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 धीरे, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगते हैं यहाँ पर प्रोसेस को होने में, यहाँ पर प्रोसेस को होने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लगेंगे। तो इस वजह से यहां पर जो वर्क डन है हमारे पास वो हमारे पास क्या होगा, बहुत थोड़ा 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 होके होगा बहुत नंबर ऑफ स्टेप में, राइट? लेकिन अगर हम बात करते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की, तो सेम हमने बीकर ले लिया, मान लीजिए यहां पे हमने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया और यहां पे हमने कोई भी गैस फिल कर दी। अब हमने क्या किया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई इंक्रीज कर दिया कि ये पिस्टन एकदम से नीचे की तरफ गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हुई हमारे पास, बहुत ज्यादा स्पीड से हुई और ये पिस्टन मान लीजिए इक्वलाइज प्रेशर करते हुए यहां तक पहुंच गया।
तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आप इसको देखकर नहीं कह सकते कि हमारा प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज है वो काफी बड़ा फैक्टर है जो कि हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो प्रोसेस होता है उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। या फिर आप अपोजिट भी कर सकते हो कि जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में, जिसकी वजह से जो हमारी वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से या हाई रेट से हमें देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में हमें देखने को मिलता है, ये हमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में देखने को मिलता है। तो अगर आपको वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है रिवर्सिबल में और वर्क डन की कैलकुलेशन करनी है इरिवर्सिबल में, तो दोनों अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो कैलकुलेशन है वर्क डन की वो सामने वाले एग्जामिनर ने रिवर्सिबल में पूछी है या इरिवर्सिबल में पूछी है। इतना क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल में वर्क डन की, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, जो जनरल फॉर्मूले की हम बात करते हैं वर्क डन का, वो क्या होती है? वो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, एक तरीके से मैं कह सकता हूं यहां पर जो वॉल्यूम चेंज है वही डिस्प्लेसमेंट है। जो हमारे प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हुई है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। पहले कैसी कुछ वॉल्यूम थी, बाद में कैसी कुछ वॉल्यूम है, तो यहां पर हमारे पास जो है हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम चेंज जो हुई है वही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और क्योंकि अभी हम कंसीडर करके चल रहे हैं हमारा प्रोसेस कौन सा, अभी हम प्रोसेस कंसीडर कर रहे हैं एक्सपेंशन का। अगर मैं प्रोसेस कंसीडर कर लूं एक्सपेंशन का, तो हमें पता है एक्सपेंशन तब होगा जब हमारा सिस्टम काम करेगा, जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा एक्सटर्नल प्रेशर के कंपेयर में, जो कि हमने कल भी बात की थी टर्मिनोलॉजीज के अंदर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले जाके उनको चेकआउट कीजिए, ताकि आप चीजों को रिलेट कर सको, आपको समझ में आ जाए कि हम ये जो टर्मिनोलॉजीज या फिर ये जो साइन कन्वेंशन कर रहे हैं वो क्यों हो रही है, राइट। तो देखिए, अगर हम कंसीडर करते हैं एक्सपेंशन का केस, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क हमारा सिस्टम करेगा। तो अगर सिस्टम वर्क करता है तो वहां पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब हमारा सिस्टम काम करता है तो वहां पे वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम आगे क्या लगा सकते हैं, नेगेटिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव भी लगा देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में वर्क डन को लेकर। अब देखिए, सबसे पहले डेरिवेशन की बात कर लेते हैं कि जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो आखिरकार आया कहां से है, जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो आखिरकार डिराइव कैसे हुआ है। तो मान के चलिए हमारे पास, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बहुत थोड़ी सी हुई है, तो हमने लगा दिया यहां पर डीएल। डीएल क्यों लगाया है, क्योंकि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो बहुत थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अब मैं क्या करूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया से डिवाइड कर दूं, तो फोर्स बाय एरिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, तो जो ऑपरेशन मैंने लगाया है वो आपस में कैंसिल तो होना चाहिए ना, हम इमेजिनरी ऑपरेशन ऐसे नहीं लगा सकते हैं। मैंने अगर कोई फैक्टर इंक्लूड किया है तो हमें फैक्टर को इस तरीके से इंक्लूड करना पड़ेगा कि जो ओवरऑल चेंज है वो जीरो हो जाए। तो यहां पे मैंने एरिया से डिवाइड किया तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात वही पड़ेगी, मल्टीप्लाई डीएल, राइट। अब फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। और एरिया को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वॉल्यूम बन जाएगी। तो यहां पर वॉल्यूम बनेगी डीबी। तो यहां पर हमारे पास जो रिवर्सिबल में जो वर्क डन आया है वो आया है पीडीबी। हम केस लेकर चल रहे हैं एक्सपेंशन का, हम केस लेके चल रहे हैं एक्सपेंशन का। तो हमने क्या कहा था, एक्सपेंशन के अंदर सिस्टम काम करता है, और जब भी सिस्टम वर्क करता है तो वहां पर जो वर्क डन होता है वो होता है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा माइनस का पीडीबी। उसी तरीके से सेम इरिवर्सिबल में करेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी का मतलब होता है लार्ज चेंज। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज। ठीक है, जबकि हमारे पास जो डीबी हमने यूज किया है, डीबी का मतलब होता है स्मॉल चेंज। वो हमने देखा भी था कि हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम हुई है वो क्या है, बहुत थोड़ी सी है रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में, जबकि इरिवर्सिबल में हमें बहुत ज्यादा लार्ज चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्क डन का रिवर्सिबल के केस में, दैट इज माइनस पी डीबी, और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला आ गया ये इरिवर्सिबल के केस में, दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। अब हमें सिंपल सी बात है, पूरा प्रॉपर पूरा वर्क डन निकालना है।
अब हमने कहा था कि हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस में जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत छोटा छोटा वर्क डन होके कंप्लीट प्रोसेस होगा। पहले थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर हल्का सा और डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसे करके करते करते बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप होंगे। तो अगर हमें वर्क निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए डीवी का मतलब है स्मॉल चेंज, और अगर हम ऐसी चीजों को इंटीग्रेट जब करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, इंटीग्रेशन से हमारे पास जितना भी वर्क डन हुआ है वो सारा सम अप हो जाएगा। तो जितना भी वर्क डन है उसको सम अप ही तो करना है हमें, क्योंकि हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है। एक स्टेप में जो वर्क डन हुआ है वो है माइनस पीडीवी। अगर मैं बात करता हूं वर्क डन की, तो जो माइनस पीडीवी है ये हमारे पास क्या है, एस एक पर्टिकुलर स्टेप में जो वर्क हुआ है। लेकिन हमें जब टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलो भाई इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब प्रेशर देखिए, आपने आईपी गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, ये तो वर्क डन आ चुका है इरिवर्सिबल के केस में, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब यहां पे हम बात करते हैं वर्क डन की निकालने की। जब हमारे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है आईपी गैस की, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखिए प्रेशर हमें चाहिए, तो प्रेशर का सब्स्टिट्यूट किससे कर सकते हैं, एनआरटी बाय वी से। प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एनआरटी बाय वी से। तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी बाय वी डी। देखिए वर्क डन का फॉर्मूला, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला है रिवर्सिबल के केस में माइनस पीडीवी, इरिवर्सिबल के केस में माइनस पी डेल्टा वी। अब हम कंसिडर कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आपके कोर्स में दो टाइप के प्रोसेस है, पहला है आइसोथर्मल में आपको वर्क डन निकालना है, और दूसरा है आपको वर्क डन निकालना है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अभी हम बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको इरिवर्सिबल में वर्क डन निकालना है तो वो होगा माइनस पी डेल्टा वी। कोई डिफरेंट फॉर्मूला बनने नहीं वाला है, हम बात करने वाले हैं यहां पर किसकी, वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अभी हमने क्या कहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारे पास, तो टेम्परेचर तो क्या होगा, कांस्टेंट। आर जो है वो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल तो कभी भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जो गैस है वो क्लोज कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। गैस चाहे एक्सपेंड हो, गैस चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, नंबर ऑफ मोल ऐसे चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर किया है। तो ये तीनों चीजें क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम नहीं करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1 बाय v dv। अब हमारे पास यहां पे लिमिट क्या होगी, लिमिट हमारे पास होगी v1 से v2। तो अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाय v dv का, तो 1 बाय v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ln v, है ना, ln v हो जाएगा। यहां पे लिमिट क्या है, v1 से v2 की, इनिशियल वॉल्यूम v1 थी हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम क्या है v2। तो यहां पे ln v बन जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है, v1 से v2, ठीक है। और माइनस nrt तो हमारे पास था ही, तो यहां पर हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, ठीक है, क्योंकि एल एन की लिमिट हमारे पास क्या है, एल एन वी की लिमिट वी टू से वी वन है, तो ये इक्विवेलेंट है हमारे पास एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन की। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वी टू बाय वी वन। तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ये डेरिवेशन था, डेरिवेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है अनटिल अनलेस आप जानना नहीं चाहते कि ये चीज कहां से आ रही है। तो हमारे पास आइसोथर्मल के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ गया, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, या फिर आप एल एन को क्या लिख सकते हो, जो एल एन होता है इक्वल होता है 2.303 लोग के, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस 2.303 एनआरटी लोग वी टू बाय वी वन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल केस है वर्क डन का फॉर्मूला, ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस में आइसोथर्मल का वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो इंटररिलेटेड है, तो गैसीय स्टेट का तो आपको आइडिया होना चाहिए। वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा, राइट। तो वहां पर बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था, जो हमारे पास पी वन बाय पी टू होता है वो इक्वल होता है वी टू बाय वी वन, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होती है, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो V2 by V1 को हम किसे रिप्लेस कर सकते हैं, P1 by P2 से। मान लो हमें वॉल्यूम नहीं दे रखी, सामने वाले एग्जामिनर ने हमें प्रेशर दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे,
V2 by V1 को P1 by P2 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा -2.303 NRT log P1 by P2। तो ये भी हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मे हैं हमारे पास, पहला फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला ये है आपका जब रिवर्सिबल केस है आइसोथर्मल का। ये फॉर्मूला हमारे पास है इररिवर्सिबल केस है वर्क डन का, ठीक है, आइसोथर्मल ही केस है दोनों में। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा फॉर्मूले के बारे में कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर कि आखिरकार हमारे पास क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा वर्क डन आपके पास दो डिफरेंट केसेस में आपको देखना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आपका प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल है या इररिवर्सिबल है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी की गई है वर्क डन निकालने के लिए, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, हमारे पास बात आपकी ये है, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपके पास 2 मोल आइडियल गैस है, हमें कहा गया है 2 मोल आइडियल गैस है जो कि रिवर्सिबली एक्सपेंड कर रही है, जो कि रिवर्सिबली और आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, जिसकी इनिशियल वॉल्यूम जो है मान लीजिए V1 वो देती है हमें 5 लीटर और जो V2 हमें देती है वो देती है मान लीजिए 10 लीटर, ठीक है, और जो टेम्परेचर हमें दे रखा है एट 400 केल्विन। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ वर्क डन आपको क्या देखने को मिलेगा, कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन, ठीक है, कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैंने आपको कई बार समझाया है फिजिकल केमिस्ट्री के अगर आपके पास क्वेश्चन है तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है आप उनको एक साथ इकट्ठा कीजिए, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हाईलाइट कीजिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो एक एंड तक जा पाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमें क्या दे रखे, नंबर ऑफ मोल दे रखे भाई, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, नंबर ऑफ मोल दे रखे 2 मोल, लिख लिया इसको एक साइड ताकि चीजें थोड़े से खुलती चली जाए, बार बार स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। दूसरी चीज क्या कह रखी है, आपके पास आईडी गैस है जो कि रिवर्सिबली और आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रही है, तो एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया है कि प्रोसेस जो है वो आपको रिवर्सिबल कंसीडर करना है, इररिवर्सिबल कंसीडर मत करना, क्योंकि इररिवर्सिबल प्रोसेस में तो आपका फॉर्मूला क्या था, -P ΔV, डेल्टा बी तो दे रखा है, प्रेशर तो नहीं दे रखा, कहां से निकालोगे, फिर आप कहोगे सर निकाल देंगे प्रेशर, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना, आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं करना, प्रेशर निकलेगा अभी नहीं, सफिशियंट इंफॉर्मेशन नहीं है, आप P1 भी चाहिएगा P2 भी चाहिएगा आपको, राइट, तब जाके तो प्रेशर लगाओगे और कौन सा प्रेशर लगाओगे, ठीक है, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो नंबर ऑफ मोल हमें दे रखे हैं 2 मोल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास है, तो ठीक है भाई इसको देखते हैं फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कौन सा है। जो टेम्परेचर दे रखा है वो हमें दे रखा है 400 केल्विन, जो V1 हमें दे रखी है वो दे रखी है 5 लीटर और जो V2 दे रखी है हमें वो दे रखे 10 लीटर, कोई इशू नहीं है। वर्क डन निकालना है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 NRT log V2 by V1। मान लीजिए हमें जो है यहाँ पर वॉल्यूम के जगह प्रेशर दिया होता तो भी कोई इशू नहीं था, V2 by V1 को हम रिप्लेस कर देते P1 by P2 से। तो आपको नंबर ऑफ मोल रखे 2, R जो है गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टेम्परेचर दे रहा है आपको 400 केल्विन, एक ही टेम्परेचर लेना है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। V2 की वैल्यू दे रखी है हमें 10 लीटर और V1 की वैल्यू दे रखी है हमें 5 लीटर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, यहां से आप आसानी से जो है आपका वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, आप कहोगे सर P ΔV हमारे पास है, जो प्रेशर है ये हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर लेना है, जो प्रेशर है आपको वो एक्सटर्नल प्रेशर लेना है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस हो रहा है चाहे वो कॉन्ट्रैक्शन का हो चाहे वो एक्सपेंशन का हो, वो इसी कारण हो रहा है क्योंकि सिस्टम के अंदर का जो प्रेशर है और सिस्टम के जो बाहर का प्रेशर है वो इक्वल नहीं है, तो हमारी गैस एक्सपेंड इसलिए करती है क्योंकि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और वो एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना अपने आप को करना चाहती है, और कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए करती है क्योंकि बाहर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है इंटरनल प्रेशर कम है, उस टाइम वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो यहां पर आपको जो प्रेशर लेना है वो लेना है एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि जो वर्क डन होने का रीजन है वो ये है कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वलाइज नहीं है, वर्क डन तभी तक होगा जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते, जैसे ही इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा आपका वर्क डन होना भी बंद हो जाएगा, राइट।
तो ये था आज की वीडियो के बारे में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल हम बात करेंगे आइसोथर्मल वर्क डन के अंदर ग्राफ को लेकर, ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आएगी, हाँ हम ग्राफ की हेल्प से कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।